अरे धोनी भाई, अबे भैया हमने सुना है कि तुम भविष्यवाणी भी करने लगे हो। अबे भैया हमारी भी भविष्यवाणी कर दो। ये एशिया कप आ रहा है भैया, और 2 सितंबर को हमारा मुकाबला है पाकिस्तान के साथ। अब भाई तुम हमको ये बता दो, ये पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला और ये एशिया कप हम जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे? देखो भाई, पहले ही भविष्यवाणी हो जाएगी तो हम उस लेवल की मेहनत करेंगे। अगर पहले ही पता चल जाए भैया कि बाय चांस किस्मत लुल हो जाए तो हम काय के लिए इतना मेहनत करें। अबे रोहित शर्मा, अबे भैया मेहनत करने से डर रहे हो? देखो भाई, मेहनत से डरने से काम ना चलेगा। मेहनत करो एकदम तगड़ी वाली, और भविष्यवाणी का क्या करना है? अबे भविष्यवाणी में तो तुम ही जीतोगे। देखो भैया, हम तो ये भविष्यवाणी करते हैं, रोहित शर्मा की कप्तानी में अच्छी अच्छी टीमों में हो जाएगी गड़बड़, और जब रोहित खेलेगा मैदान में तो अच्छे अच्छे गेंदबाजों में मची रहेगी भगदड़। अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया धोनी भाई, बहुत बढ़िया। अबे भाई जलवा कर दिया तुमने, तो मजा दिला दिया। अबे भैया अब तुम ऐसा करो, हमारी भी बता दो, अबे हम कुछ उखाड़ पाएंगे कि नहीं उखाड़ पाएंगे? हमको तो ऐसा लग रहा है इस बार हमारी खतरनाक बल्लेबाजी होगी और जलवा होगा दुनिया में हमारा। लेकिन भाई अगर तुम भविष्यवाणी कर दोगे तो हमारा हौसला डबल हो जाएगा। हम भी सोच लेंगे भैया धोनी भाई ने भविष्यवाणी कर दी, अब अपन को कोई ना डांट सकता। लेकिन भाई तुम टेंशन ना लेना, भविष्यवाणी में चाहे कुछ भी निकले लेकिन किंग कोहली का जलवा ना दबेगा बिल्कुल। और पाकिस्तान के खिलाफ, अब आप पाकिस्तान के खिलाफ तो भैया एकदम हवा में लात मारेंगे, हवा में। अबे कोहली भाई क्यों टेंशन ले रहे हो? अब भैया तुम्हारा तो जलवा अलग ही लेवल का दिख रहा है। हमको तो ऐसा लग रहा है भैया एकदम पुंगी बजा दोगे एकदम पाकिस्तानी गेंदबाजों की, और तुम्हारा जलवा होगा भैया पूरी दुनिया में। अब किंग कोहली नाम है तुम्हारा, और किंग कोहली एकदम राजा वाले गुड़ है तुम्हारे अंदर, एकदम राजा हो राजा। अबे भैया तुम्हारी होड़ से एकदम पाकिस्तानियों ने बना दिया है बाबर को राजा। लेकिन भैया तेरा जलवा और बाबर का जलवा, अबे जमीन आसमान का अंतर होएगा जब तू पाकिस्तानी गेंदबाजों को आंखें बंद करके धोएगा। अब कसम से कोहली भाई मजा आ जाएगा, मजा। अबे अगर कोहली भाई और रोहित भाई फोरम में रहे ना तो जलवा हमारा अलग ही लेवल का होगा। लेकिन धोनी भैया तुम हो मेरे गुरु और मैं हूँ तुम्हारा चेला, और मैं बैंड बजा सकता हूँ पाकिस्तान वालों का अकेला। अबे टेंशन ना लो, जब तक तुम्हारा जिंदा है रविंदर जडेजा तब तक किसी का नहीं पैदा होगा हिंदुस्तान को हराने का कलेजा। हमने हमेशा हिंदुस्तान को जिताया है और विदेशियों को लुल बनाया है, आज भी इसी तरीके से कमाल होगा भैया। ये एशिया कप में इसी तरीके से जलवा होगा, टेंशन ना लो तुम। अबे जडेजा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, जब हम और तुम एक साथ टीम में होते हैं तो हम बड़ी बड़ी टीमों को मिल करके धोते हैं। कभी हमारी गेंदबाजी तगड़ी चलती है तो कभी बल्लेबाजी, कभी तुम्हारी गेंदबाजी तगड़ी चलती है तो कभी बल्लेबाजी। जिस दिन भैया हमारा दोनों सिस्टम सही चल गया ना दोनों का, अब हवा से निकाल देंगे भैया एकदम अच्छी अच्छी टीमें, एकदम हक के जाएंगी हमारे आगे। लेकिन भाई टेंशन ना लो, इस बार तो तगड़ा चलना ही चलना है। पाकिस्तान के खिलाफ तो भैया एकदम धुआं सा निकल जाएगा पाकिस्तानी गेंदबाजों के बल्लेबाजों के। अबे जलवा होगा भैया, रविंदर जडेजा हार्दिक पांड्या दोनों मिलकर के करेंगे तगड़ा वाला कांड्या। क्यों धोनी भाई? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भाई एक बात याद रखना, सामने वाली टीम को कभी हल्के में नहीं लेना। हम तो ये कहते हैं किसी को नहीं लेना इस बार हल्के में, खाली तुम तगड़ा खेल दिखाना और पानी बंद कर देना उन ससुरी वालों के नलके में।